अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं खलील अहमद ख़ान, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार चैनल। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। शेखपुर विनायक नगर फेसू में जुबलीस एमएलए माखंडी गोपीनाथ साहब ने किया दौरा और आवाम को एलआरएस स्कीम की वजाहत की। ये जो स्कीम है आवाम की बेहतरी के लिए है, लोगों के जो प्रॉपर्टीज मुअल्लक है उनको मालिकाना हुक्म दिलाने की कोशिश कर रही है। शेखपेट विनायक नगर फेसू के प्रेसिडेंट दयाकर साहब, आर्मी रिटायर यादगिरी साहब, मीटू राजा लिंगम साहब, रमैया साहब, बी रंगा साहब ने माखंडी गोपीनाथ का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्टर गुलाम समदानी के साथ मैं खलील अहमद खान। इस वहाँ पर अभी तक जैसो ड्रेनेज की लाइन नहीं है साहब, ड्रेनेज की लाइन नहीं है और जैसो वहाँ पर जैसो एक सामने चार बिल्डिंग बन रही 5-5 फ्लोर के, और उन्होंने क्या करे एक थोड़ा आप 10 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का रास्ता है साहब, एक बार विजिट करें तो आप। नहीं नहीं नहीं, ये बाजू नेक्स्ट नेक्स्ट बीट पीछे पीछे, उसमें क्या हो गया साहब मालूम है? एक मिनट, टेम्पल वर्क बोर्ड लैंड का, एंडोमेंट्स लैंड का, गवर्नमेंट लैंड उठे काउ फेस्टू का कॉलोनी प्रेसिडेंट हूँ मिट्टू दयाकर है मेरा नाम। आज जो ये प्रोग्राम चला है, ये तेलंगाना स्टार्स के जो मीडिया वाले आए हमारे शफी भाई और अपन के बुजुर्ग जो भी है, ये अच्छा नेक काम के लिए ये पूरे जो भी है तेलंगाना राष्ट्र के सुनाने के वास्ते ये जो प्रोग्राम चला, तो हम ये आपको बहुत मुबारक की बात देता हूँ। ये आज के दिन जो है ना गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद में जो भी लैंड्स है उसको तेलंगाना गवर्नमेंट में रेगुलराइज करना बोल के जो जीओ पास करा गया है, उसके अंदर जो है ना पैसे बनने के जो काम बोले, जब उसलिए हम जो है ना पैसे नहीं बने वो जीओ भी खत्म होगा, फिर वो जीओ रिवाइज करने के वास्ते जो 125 एड्स के अंदर में गवर्नमेंट जो अभी बोल रहे है सबको रेगुलराइज करेंगे बोल के हमको यही इच्छा है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो केसीआर साहब जो लाए है बहुत अच्छी चीज बात है, और उसके बारे में हमारे मोगल माघंटी गोपीनाथ एमएलए साहब भी बहुत जो है ना केटीआर साहब को मना के ये जो है ना विनोबा नगर फेज टू में ये अच्छा काम के जो कर रहे भूदान एग्री बोर्ड में जो गरीब लोग है उनको फ्री ऑफ कास्ट के लिए रेगुलराइज करने के बाद से हमारे एमएलए साहब भी बहुत कोशिश कर रहे है। हम भी इसके बारे में हमारे कॉलोनी की तरफ से लेटर लिखे है, उसके बारे में केटीआर साहब जो है ना हमारे एमएलए साहब को ये विनोबा नगर फेज टू में ले खास करके गरीबों के बस्ती में जाके यहाँ जो भी हो रहा है रिपोर्ट मेरे देना बोल के बोले, तो आज जो है ना साहब हमारे कॉलोनी में आ चुके हैं, उनके लिए हम सब बोल चुके हैं जो 125 यार्ड्स के अंदर गवर्नमेंट जो है ना फ्री कास्ट बना रहे हैं, और भी 200 गज के बहुत और गरीब आदमी है उसमें 2-3-4 संसार कर रहे है उसकी भी जो है ना 200 गज के अंदर भी ये रेगुलराइज करना बोल के हमारी विनती कर रहे हैं पूरे पब्लिक कॉलोनी वाले। ये एमएलए साहब को भी हम कर चुके हैं और केटीआर साहब को भी लेटर दे चुके हैं, तो ये भी गवर्नमेंट जो है ना ये मन में लगा के जो विनोबा नगर फेज टू में और ये जो भूदान एग्री में काम कर रहे हैं ये बहुत कई सालों से इधर गुजरात कर रहे हैं उनको 200 गज के अंदर प्रायोरिटी दे के रेगुलराइज फ्री रेगुलराइज करना बोल के हमारे विनती है केटीआर साहब को और केसीआर साहब को। हमारे प्रजा प्रतिनिधि एमएलए माघंटी गोपीनाथ साहब को भी यही हम का बोल चुक रहे हैं, तो इसके बारे में ऐसा नहीं तो भी तो ये 200 गज के अंदर नॉमिनली फीस लेके सबको रेगुलराइज करके पट्टा देना तेलंगाना गवर्नमेंट को बोल के हम पूरे जने यही कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दिन ना हमारे माघंटी साहब आके ये बड़े गरीब जो पूरे यहाँ सुबह से बैठे हैं उनके देखे मोगन माघंटी साहब भी वही बोले सबको पट्टा दिलाएंगे सबको जो है रेगुलराइज कराएंगे बोल के हमारे को कॉलोनी वास आश्वासन दे चुके हैं, उनको हम ये कॉलोनी की तरफ से धन्यवाद कर रहे हैं केटीआर साहब को, केसीआर साहब को, वैसे हमारे प्रजा प्रतिनिधि माघंटी गोपीनाथ साहब को भी हम जो है ना सलाम करते हैं, और हमारे जो इधर आए पूरे कॉलोनी वासियों उनकी धन्यवाद करते हुए ये अच्छा प्रोग्राम सक्सेस करे और हमारे ये तेलंगाना स्टार्स जो है ना इधर आके हमारे विनती जो सुन के ये पब्लिक को ले जाके ये गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं, उनको भी हमारे मुबारक बात देते हुए ये सक्सेस करने को सबको आदमी को धन्यवाद करते हुए जो बड़ा है उनके लिए है।
जो शेखी भाई बहुत अच्छे से पूछे हम भी थोड़ा ऊपर नीचे थे तो रजिस्टरी करे और नोटरी है ये सबके लिए जो है ना ये गवर्नमेंट जो दे रही है वो रेगुलराइज करना जरूरी है। पट्टा लेना तेलंगाना गवर्नमेंट का पट्टा लेना जरूरी है। ये बोधन लैंड में है बोल के पट्टा इश्यू कर बोधन लैंड जो है 327/591 जो 13 है सर्वे नंबर में 52 acres बोधन लैंड है। वो बोधन लैंड में जितने भी घर बना हुआ है वो जो भी घर जितने भी बना हुआ पूरा उनको रेगुलराइज करना बोल के हम कोशिश करें लेटर लिखे। वही लेटर के बारे में MLA साहब ने वही आश्वासन दिए जो भी 3 मंजिल बनो 4 मंजिल बनो जो भी 125 acres के जो भी है उनको पक्का रेगुलराइज करेंगे और उसके वो ज्यादा है उसका कोशिश करेंगे नॉमिनल फीस लगा के और 200 लोग जो भी है ना उसकी भी रेगुलराइज करेंगे बोल के सोच रहे वो भी पक्का हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन करो मत करो मगर पट्टा तो लेना है रजिस्ट्रेशन करे से वाले भी इसलिए अप्लाई करना है अप्लाई करना है जरूर अप्लाई करना है तेलंगाना पट्टा देंगे आपको तो जब आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाता और जो है ना आप जो भी लोन भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये भूदान के वास्ते है क्या नहीं वक्त के वास्ते भी है नहीं वो नहीं अब तो ये भूदान के वास्ते है ये वक्त बोर्ड का जो है ना देवालय शाखा है एनरोलमेंट के वो तो अभी तो प्रोसेस चल रहा है तो वो टाइम है उसका और किधर किधर है जाँच कर रहे वो जांच करने के बाद में वो जीवो पास होगा। अब तो जीवो बंद कराए ये भूदान एक्ट का तो चालू है भूदान एक्ट में कितने भी है वो कर ले सकते रेगुलराइज कर ले सकते गवर्नमेंट ने आश्वासन दिए है वो पूरे कर ले सकते भाई। ये वक्फ बोर्ड का और भूदान उसका भी आएगा थोड़ा लेट होता 125 के अंदर है तो गवर्नमेंट तय करेगी पट्टे के लिए हम क्या बोले 75 acres गवर्नमेंट बोल रही थी इससे पहले 125 acres बोले तो वही रिव्यूज करो बोल के हम लेटर लेके तो KTR साहब बोले ठीक है वो तो अब नहीं कर लिए नहीं मालूम है नहीं करे फिर वो रिव्यू करेंगे 125 acres जितने दिए वो रेगुलराइज करेंगे तो हम बोल रहे हैं उसको हम लेटर लिखे कॉलोनी तरफ से ये 200 गज भी भोजन है बहुत बड़ा फैमिली से है उसमें 3-4 जो है ना शादी करके उनको भी जो है ना रिक्वेस्ट में 58 GO में आप रेगुलराइज करिए तो वही MLA साहब की वही बोले ठीक है MRO से बात करेंगे अगर से नहीं 59 GO में तो नॉमिनल फीस 10,000-20,000 ऐसा नॉमिनल फीस लगा के उसको भी करेंगे बोल के MLA साहब शायद आश्वासन दिए तो उनको भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। और कुछ हमारे तरफ से आपको बहुत अच्छा काम धन्यवाद सब आए तो हमारे साहब सबके लिए हमें ये आप तेलंगाना स्टार्स भी आके ये मीडिया के द्वारे हमारे KTR साहब KCR साहब को भी ये मालूम होना चाहिए तो इधर का प्रॉब्लम क्या है हम तो उनको मालूम करने के लिए बोल चुके हैं तो उन्होंने भी हमारे बात सुन के ये 200 का जो बिले है उनको सबको पट्टा देने का बोल के मैं आश्वासन करता हूँ। थैंक यू। हमारे तेलंगाना स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राब्ता कलाम करते रहें ये खबरें लेकर।